सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेक्टो राइडर पे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ गुड़गांव को हमेशा के लिए छोड़ के अपने घर पंजाब। एंड आप देख सकते हो बारिश का मौसम देखो कैसा हो चुका है। सुबह 4 बजे मेरे को निकलना था, तब से बारिश हो रही है और अभी तक देखो बारिश कंटिन्यू हो ही रही है बारिश, ठीक है। एंड देखो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस टाइम पे कि मैं आप कुछ कह नहीं सकता। अब देखो मेरे को वैसे तो 12 बजे पहुँचाना था, लेकिन अब देखो कितने बजे मैं पहुँचता हूँ। एंड चलो गाइस, अभी राइड को ज़्यादा लंबा ना करते हुए निकलते हैं घर की तरफ, बिकॉज ऑलरेडी जो है बारिश का मौसम हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह से मैं लेट हो जाऊँ। तो उससे बढ़िया है मैं निकलता हूँ फटाफट दिल्ली की तरफ। दिल्ली से होके मेरे को जाना पड़ेगा। अभी देखो गाइस टाइम हो रहा है 9:19। एंड चलो करते हैं अपनी राइड को यहीं से स्टार्ट, एंड करते हैं अलविदा गाइस गुड़गांव को। एंड आई होप, पता नहीं फिर कब आना होगा गुड़गांव में, कब नहीं आना होगा, अभी कुछ आइडिया नहीं है गुड़गांव का कब आना होगा। एंड बारिश भी गाइस हो रही है, तो कोशिश तो यही रहेगा कि सेफली और टाइम से पहले मैं घर पहुंच जाऊं। एंड चलो निकलते हैं अपना राइड पे। तो फाइनली गाइस, अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के बाहर। तो आप देख सकते हो ये सामने वही कूड़े के ढेर अपने, ठीक है। एंड बाइक की हालत दिखाता हूँ आपको, क्या हालत हो चुकी है इस टाइम पे बाइक की। ये देखो एकदम गंदी हो गई थी, अभी थोड़ा बहुत कपड़ा मार के मैंने साफ़ करी है, एकदम मैं कह रहा हूँ एकदम पूरी ही गंदी हो चुकी थी बाइक। यानी कि यार इतना पानी था ना दिल्ली में, इतना पानी था। मेरे 9 बजे निकला था और देखो 9:30 बजे निकला था, एक पूरा 1.5 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे पहुँचते। अभी पहुँचा करनाल बाईपास। एंड बाइक की हालत देखो आप, एकदम पूरी ख़राब हो चुकी है। चलो कोई बात नहीं, ये तो अभी होती रहेगी क्योंकि आगे पूरा रास्ता ही ऐसा है, तो इसको तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। चलो बाकी अभी करते हैं गाइस अपनी राइड स्टार्ट। अभी खाना तो वैसे खाना है, लेकिन अभी इतनी भूख नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी कवर कर पाऊँ ना उतना जल्दी कर लूँ, बिकॉज बारिश का कोई भरोसा नहीं है। एंड चलो गाइस करते हैं स्टार्ट, एंड करते हैं बाय बाय दिल्ली को, फिर पता नहीं कब आना होगा। एंड एक बार घर पे कर देता हूँ मैं कॉल, फिर निकल रहा हूँ। चलो गाइस अभी आपको आगे रास्ते में ही मिलता हूँ मैं। फाइनली गाइस, अभी हम आ चुके हैं मूर्थल। एंड अभी देखो कुछ खाने का ऐसा प्लान है तो नहीं, भूख लग भी रही है नहीं भी लग रही है, तो चलो आगे चलते हैं। देन वहाँ पे कुछ ना कुछ ढाबा वगैरह देखेंगे, फिर वहाँ पे खाएंगे हम। एंड आपको बता दूँ कि देखो लंबा थोड़ा सफ़र है, एंड अकेला जा रहा हूँ, तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखो मोबाइल पे यहाँ पे सॉन्ग चला रखे हैं और एक लेफ्ट वाला एयरपॉड्स लगा रखा है, बिल्कुल एकदम स्लोली आवाज़, एकदम स्लोली 1-2 नंबर पे, ताकि सिर्फ बीट बीट सुने और नींद नहीं आएगी यार। अभी क्या ये, ओ भाई ये कितना बढ़िया लग रहा है फ्लाइट्स। नींद कभी कभी बहुत आती है, तो इससे क्या होगा कि एक तो नींद नहीं आएगी, थोड़ा मज़ा भी आएगा राइड करने का। और गाइस साहब मौसम देखो, मौसम क्या प्यारा मौसम हो रखा है, एकदम इतना प्यारा मौसम हो रखा है ना कि मैं बता नहीं सकता कैसी वाइब आ रही है मेरे को जाते हुए। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ, और इतना फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ और इतना बढ़िया मौसम है। एंड गाइस आपको बता दूँ कि दिल्ली मैंने अभी हमेशा के लिए कर दिया है लीव। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बताऊँगा आपको धीरे धीरे, सारी बातें पता चलेंगी। एंड अभी मन तो नहीं कर रहा था आने का, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियाँ ही ऐसी हैं कि बस घर जाना पड़ रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के। एंड इसके अलावा बता दूँ आपको मैं कि गाइस मेरे को टोटल 7.5 साल हो चुका है दिल्ली में रहते हुए, तो 7.5 साल के बाद मैं घर जा रहा हूँ वापस, मतलब परमानेंट घर जा रहा हूँ। अभी आने का कोई प्लान नहीं है मेरा, मुझे भी कोई जॉब वगैरह दे दूँगा। एंड मेरे को कहीं सुबह निकलना था 4 बजे, लेकिन 4 बजे मैं इसलिए नहीं निकल पाया बिकॉज बारिश हो रही थी बहुत तेज। मतलब जैसे ही मैं घर से बाहर मैंने बाइक निकाली ना, वैसे ही इतनी गंदी बारिश हुई ना, और दिखा तो रहा था कि 7 बजे बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन वो बारिश बंद कितने बजे होती है, 8 बजे। और 8 बजे मैं निकला हूँ, अभी सिर्फ कुछ नहीं खा रखा मैंने, सिर्फ बिस्किट पड़े थे वो खाए थे बस मैंने, और कुछ नहीं खाया मैंने। एंड मौसम देखो क्या बढ़िया मौसम हो रखा है, इतना प्यारा मौसम है ना कि बाइक चलाने का भी मज़ा आ रहा है राइड करने का। एंड मैं इस देखो 11 मतलब 9 बजे पहुँच निकला था, 9:30 बजे निकला था,
और दिल्ली में बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैंने क्या करा, मैंने कैमरा वगैरह सब हटा के बैग में रख दिया था, कोई वीडियो शूट नहीं करी इतनी। जैसे करनाल बाईपास पे पहुंचा तो थोड़ा मौसम सही था, तो वहां पे जाके मैंने जो वीडियो थी वो मैंने शूट करी है, मतलब कैमरा मैंने लगाया है आगे। एंड चलो गाइस अभी निकलते हैं सीधा आगे, कुछ खाते हैं पहले तो चल के, फिर देन आगे कैमरा फिर से ऑन करेंगे एक बार, ये क्रॉस कर लें एंड सेफली पहुंचेंगे। एंड टाइम टाइम पे आपको अपडेट देता रहूँगा इंस्टाग्राम पे, तो अगर आप गाइस जल्दी अपडेट लेना चाहते हो ना तो प्लीज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो। तो इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज वगैरह में अपडेट करता रहता हूँ जो भी, अगर मैं राइड पे जा रहा हूँ अगर नहीं जा रहा तो। चलो गाइस मिलता हूँ अभी आपको आगे चल के। गाइस अभी एक होटल पे रुके हैं एंड यहाँ पे आलू पराठा ऑर्डर किया है, भूख लग रही है काफ़ी, बहुत ज़्यादा बहुत तेज भूख लग रही है। और जैसे दिल्ली पार किया ना सोनीपत पानीपत पहुँचा, पानीपत पहुँचा इतनी धूप चढ़ी हुई है, हम लोग को शाम को पहुँचना पता नहीं क्या हालत हो रही, क्या हालत हो रही वहाँ तक। अभी गाइस एक बार पराठा आ गया आलू का, देन फिर खा के फिर मिलता हूँ आपको सीधा भी पराठा खाने के बाद, एक ही लगा दूँ जल्दी। तो गाइस फाइनली अभी हमने खा लिया है यहाँ से पराठा एंड निकलते हैं अभी चलो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ गाइस। एंड टाइम देखो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, कितने 12:30 तो यार होने वाले हैं यार, बताओ पता नहीं कितने बजे पहुंचूंगा। खाना चला लेते एक स्लो सा एंड देन करते हैं गाइस अपनी राइड को स्टार्ट एंड मिलते हैं आपसे आगे चल के। बहुत मज़ा आया, पराठा खाया हमने और एक कोल्ड ड्रिंक पी है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। तो चलो गाइस करते हैं ये वीडियो को आगे चल के स्टार्ट एंड निकलते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जितना मैं रुकूंगा ना उतना ही ज़्यादा लेट होगा, उतनी दिक्कत होगी मेरे लिए। तो चलो गाइस निकलते हैं अभी स्लोली स्लोली, गाना चल चुका अपना। ओह गर्मी अभी से स्टार्ट हो गई है गाइस। सो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं अंबाला के पास, अंबाला कैंट के पास। एंड गाइस यहां पे ना एक अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिल रहा है कि पीछे से हम लोग आए हैं तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, ठीक है, अंबाला के पास पहुंचे हैं तो यहां पे बारिश हो रखी है भयंकर, पानी पानी हुआ पड़ा भाई साहब। यहाँ पे देखो पूरी के पूरे रोड खाली है भाई, तभी जब पीछे था ना तो ऐसे ना ठंडी ठंडी हवा आने लगी थी, तो मेरे को लग रहा था कि पक्का आगे बारिश हो रही है, पर बारिश हो नहीं रही, बारिश हो के ख़त्म हो गई है। ये देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आराम से चलाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा बिकॉज सड़कें सारी गीली हैं, ये देखो, और इतनी वो उड़ रहा है ना पानी, ये सारा देखो सारा हेलमेट गंदा हो रहा है, कैमरा भी एक बार साफ़ करता हूँ। भाई थोड़ा सा ना आराम से चलते हैं बिकॉज यहाँ पे ना सारा रोड खराब हो चुका है पूरा पानी से। बारिश फिर से ना होने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश अगर हो भी जाएगी तो हमारे पास देखो रेनकोट तो है ही, हम लेके आए हैं घर से। ये बारिश ही हो रही है क्या भाई, कुछ ओहो बारिश हो गई स्टार्ट, किसी सेफ जगह पे रुकते हैं देन वहाँ पे जाके रेनकोट पहले पहनते हैं अपना। भाई साहब ये भाई मिला है कि इसका पेट्रोल हो चुका है ख़त्म, चलो थोड़ी हेल्प कर देते हैं इस बंदे की यार बेचारे की, धूप में कहाँ देखो बेचारा धूप में खड़ा था, कोई देखो हेल्प नहीं कर रहा था इसकी। तो भाई अगर ऐसा कोई बंदा अगर मिल जाए ना तो यार उसकी हेल्प कर दिया करो यार, बताओ बेचारा इतनी धूप में देखो इतनी कैड़ी गर्मी में वहाँ पे खड़ा था और बोल रहा है कि यार मेरे 30-40 रुपए की हेल्प कर दो, पेट्रोल खत्म हो गया। अंदर ही उधर कर।
हाँ जी क्यों गया? हाथ फाड़ लो, मैं क्या जैसा करो, हाथ फाड़ के तो फिर रेस के तो दूंगा। यार जी इतना करो यार, ये तार तो 40 PR पी है के तो दे जा कोई। वो तो मैं दे देना, पर पेट्रोल के तो पोएगा। पेट्रोल मैं पवा लेना वीरे पंप तक, आ दे लब मनी यार वीरे, मैं तो मांग दे नु भी शर्म आउंदी यार। मेरा वीर कोई नशा ना करी बस यार वीरे, ना नशा ना करी। देख आ दे ला वीरे, आ दे ला टैंकी कोले आ, आ दे ला। देख मैं तो नहीं देता रब के नाते पेट्रोल दे लई क्या मता देता हूं एदा। तुसी अपना पेटीएम ओ नहीं नहीं कोई कोई चक्कर नहीं हूं एदा 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 नशा ना करी बस मेरा वीर। वीरे अपना एरिया केड़ा? मेरा दीनानगर। ए दीनानगर? हां गुरदासपुर तक। तुसी अपने दीनानगर जांदे पए? हां मैं आंदा दिल्ली तो। ते इधर किधरों भाई जाऊंगे? मैं इथों जाना बस सीधा अपना की नाम दा मकेरियां वाले रोड ते पड़ा ही मैं। मकेरियां वाले रोड ते जानी के करतारपुर रोड ते पोंगे? नहीं नहीं वो आगे 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 है। चल यार तेनु मस्त तक छोड़ देना माड़ा जा पेट्रोल पंप तक। नहीं वो तो चलो कोई ना, वो तो छोड़ दियो तुसी। ते पर बड़े वीर मैं जदा समझिया नहीं, मैं जाना आहो दसुआ मकेरियां फिर गुरदासपुर। माड़ा जा रेड करतारपुर रोड ते पहुंचे ना वीरे? कोई नहीं ऊपर है रास्ता, अगो अगो दी निकल जाऊंगा मैं, कोई चक्कर नहीं। दबला दबला रेस दबला पैंच करतारपुर वाले रास्ते पहुंचे? कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, अगे है रास्ता है ਮਾ ਉੱਪਰ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਗਾ। ਕਰਪੂਰਥਲੇ ਕਰਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਘਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ ਦਸੂਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਵੀਰੇ, कोई चक्कर ओके ओके, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर, बस नशा ना करी ब्रा, चल चंगा। तो गाइस देखो कभी कभी क्या होता है ना हमारे पंजाब में ऐसा बहुत चलता है कि बंदा ना पैसे मांग लेते हैं और फिर ना नशा करते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये इसीलिए मैं उसको बोल रहा था कि भाई देख पैसे तेरे को दे दिए, इसका पेट्रोल डलवाना, नशा मत करना, क्योंकि तूने पेट्रोल मांगा है तो चल मैंने दे दिए पेट्रोल के लिए, क्योंकि पेट्रोल उसके उसमें था भी नहीं बेचारे के। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, कभी कभी ऐसे गर्मी में ना हेल्प कर दिया करो, बट वही है ना कि पंजाब में वैसे यार नशा बहुत ज़्यादा फेमस है, नशा बहुत बिकता है पंजाब में। तो चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यार ऐसे बंदों की हेल्प कर दिया करो, अगर किसी का पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाए ना तो ख़त्म कर दिया करो। ओह ख़त्म बोल रहा हूँ भाई, हेल्प कर दिया करो, ख़त्म मत करो। तो गर्मी मेरा सर को चढ़ गई है। तो भाई साहब अभी फाइनली मैं ना जलंधर सिटी में ना एंट्री करने ही वाला हूँ, बस थोड़ा सा रह गया बस। तो गाइस फाइनली अभी हम ना जलंधर से अंदर होके अभी हम मकेरियाँ रोड जो है उस पर हम आ चुके हैं। एंड अभी मेरे को ना आपको सारी स्टोरी बतानी है कि मैं क्यों अपना जो गुड़गांव है वो मैं छोड़ के आया, एंड क्यों मैं अभी घर जा रहा हूँ, उस सारी स्टोरी मैं बताऊँगा। बट अभी नहीं, इसके एंड में, ये ब्लॉग के बिल्कुल एंड में जब मैं अपनी सिटी के पास पहुँच जाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम मेरे को लगेगा। तो मैं पहले फटाफट वो जो सफ़र है वो तय कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा एंड में। तो गाइस जो मेरे को बात करनी थी वो मैं अभी बताता हूँ क्या बात थी। देखिए पहले क्या था, जिस दिन जब मैं गया था ना मैं दिल्ली 2017 में, तो उस टाइम पे भी मेरी मजबूरी थी कि मेरे को यहाँ पे अपना लोकल शहर सिटी छोड़ के मेरे को दिल्ली जाना पड़ा जॉब करने के लिए, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी कोई, तो मेरे को वो जाना पड़ा। अब उसके बाद अब जो मेरा वापिस जाने का रीज़न है वो मेरा फैमिली इशू है, क्योंकि सिस्टर की मैरिज होगी, अब फादर और मदर और अकेले हैं घर पे,
तो मुझे वहाँ पे वापस जाना पड़ रहा है, और ज्योति तो ऑलरेडी है ही वहाँ पे, तो मुझे वापस जाना पड़ रहा है कि क्योंकि फादर पहले बीमार रहते हैं, और कल को कुछ भी अगर ऐसा इशू या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो चलो इतना तो होगा ना कि हाँ घर पे तो कोई ना कोई है बंदा। तो बस यही कुछ एक दो और रीजंस थे जिसकी वजह से मेरे को इतना हार्ड डिसीजन जो था वो लेना पड़ा, क्योंकि गुड़गांव में एकदम पूरा वहाँ पे जॉब वगैरह सब सेटअप है, यानी कि रूम वगैरह ए टू जेड सारा सामान हर एक चीज़ वहाँ पे सेटअप कर रखी है। अब एकदम से वहाँ पे प्लान बना कि सब छोड़ना है, तो डिसीजन तो लेना ही था, थोड़ा सा हार्ड डिसीजन पत्थर रख के दिल पे, लेकिन वो ये कि आगे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। एंड देखेंगे अभी कोई जॉब वगैरह इधर अपनी सिटी में कोई मिले तो, नहीं तो कुछ और करेंगे, फ्री तो नहीं बैठेंगे। एंड आपको पता ही है कि यार अगर कोई भी ज़िंदगी में कोई काम करना हो तो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो पत्थर रख के लेने ही पड़ते हैं। बस ये डिसीज़न भी मेरे लिए वही सेम वही डिसीज़न था कि पत्थर रख के मेरे को डिसीज़न लेना ही पड़ा। तो चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं अभी आगे का क्या प्लान रहता है, आगे क्या करूँगा, कौन सी जॉब करूँगा, कहाँ पे करूँगा, अभी कुछ भी गाइस अभी कुछ नहीं पता मेरे को। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं वो एक बार सॉर्ट आउट हो जाए, देन उसके बाद फिर मैं अपना देखता हूँ क्या करूँगा, जॉब वगैरह कहाँ पे करूँगा, ढूँढता हूँ कोई इंटरव्यू वगैरह देता हूँ कहीं पे। एंड अभी गाइस अभी 5 मिनट के अंदर अभी हम पहुँच जाएंगे अपनी सिटी में। सो फाइनल गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम अपनी मोहल्ले में, अपनी गली में। चलो अब की बार भी थोड़े से रिएक्शन कैप्चर करते हैं घर वालों के, पर उनको ऑलरेडी पता है यार कि मार। बस वधिया वधिया।